नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेन सिंह। आप देख रहे हो रामेन टेक एंड बैंकिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, आपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार बैंकिंग अपडेट, सीएसपी अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूं जो आपके लिए समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है भारतीय स्टेट बैंक के सीएसपी संचालकों के लिए। जैसे कि काफ़ी दिनों से एक प्रॉब्लम आ रही है सामने, जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क बीच में अधूरा ही रह जाता है और साथ में एक इस तरीके से ब्लैंक डिस्प्ले ब्लैंक हो जाती है और एक मैसेज आ जाता है कि दिस कॉन्टेंट कैन नॉट बी डिस्प्ले इन फ्रेम। ये मैसेज क्यों आ रहा है? ये एक मैसेज एक सिक्योरिटी कुछ तो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से भी आ रहा है। दूसरा, ये सर्वर प्रॉब्लम कहाँ पे कर रहा है इसका, कि जैसा कि आप जानते हो हम कोई भी इसमें वर्क कर रहे हैं और उस वर्क करते समय अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई इस चीज़ का उसे प्रॉब्लम सी महसूस होती है कि अगर ये वर्क सेफ नहीं कर रहा है, ये जो कंटेंट है या जो लिंक हमने खोल रखा है वो सही से सिक्योर नहीं है, तो वो क्या करता है, वहाँ से आपको साइट को आपको दूसरे ब्लैंक पेज करके आपको न्यू टैब खोलने के लिए बोलता है। नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया है, ओपन द कंटेंट ए न्यू विंडो, मतलब कि आप वहां पर सिक्योर नहीं है, आप जो वर्क कर रहे हो वहां पर सिक्योर नहीं है, तो आप इस न्यू विंडो को यहां से न्यू अपने कंटेंट को अपने जो लिंक पे काम कर रहे हो वहां से ओपन करना होगा। अच्छा, जो भी हम वर्क ये काम किस तरीके से करता है, हम जो भी काम करते हैं, जैसे कि हमने अभी एक कस्टमर का बीमा कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रखे हो, तो बीमा करते समय हमारा वहां से जो मेन डिस्प्ले था वहाँ से ब्लैंक करके ही हमारे इस दूसरे कंटेंट डिस्प्ले पे ले आया हुआ है और वहाँ से बोल रहा है कि ओपन न्यू विंडो। जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो हमारा लिंक वहीं पे खुलता है जहाँ से हमने वहाँ पे वर्क बंद किया था। जैसे कि हम किसी का सोशल सिक्योरिटी स्कीम करते हैं तो वहाँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे ये विंडो ओपन होगी। अगर हम किसी का डिपॉजिट कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरीके से अगर पेज ब्लैंक होता है और उस तरीके से मैसेज आ जाता है, तो वहाँ पर जैसे ही उसे ओपन करेंगे न्यू विंडो, वहाँ पे लिंक ओपन करेंगे, तो वहाँ पर वो उस डिपॉजिट से ही चालू होगा। जिस कस्टमर का हम वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं वहीं से वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अभी ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम का देखा जाए तो जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे ये काम कर रहा है, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम कस्टमर का हो जा रहा है। लेकिन यदि डिपॉजिट और विड्रॉल करने की यहाँ पर नौबत आ रही है, तो लगभग मैंने कल से देखा, मैंने काफ़ी बार कोशिश की है, लेकिन डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ पर नहीं हो रहा है। वहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड वगैरह सब कुछ मांग के वो वहाँ पर ब्लैंक पेज कर देता है। इस दिक्कत सारी सीएसपीओ के लिए आ रही है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि हम जानते हैं सीएसपी को आए दिन किसी न किसी सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी कि काफ़ी सीएसपी भाई परेशान हो रहे थे और हमें कॉल भी कर रहे थे, सर ये क्या दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन में ये भी सब ठीक हो जाएगा, तब तक ऐसे ही काम करते रहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।